अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के आयाम, राष्ट्रीय ओजस्विनी परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, छात्र परिषद एवं किसान परिषद के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ओजस्विनी जिला अध्यक्ष रोशनी ठाकुर ने बताया कि विगत दिनों हरियाणा के बल्लभगढ़ में तौफिक मुसलमान नामक जिहादी एवं साथियों द्वारा निकिता तोमर नामक छात्रा को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। जब उसने इसका विरोध किया तो उस छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह की घटना की अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद घोर निंदा करता है। ओजस्विनी नगर महामंत्री आरती डगे ने कहा कि इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर निकिता के हत्यारों को 2 महीने में फांसी दी जाए, लव जिहाद के आरोपियों को फांसी की सजा हो, ऐसा केंद्रीय कानून बनाया जाए, लव जिहादियों की तुरंत गैर जमानती वारंट से गिरफ्तारी हर राज्य में हो। यह मांग ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से की गई। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत अध्यक्ष शिव उसरेठी, जिला अध्यक्ष हरीश ठाकुर, किसान परिषद जिला अध्यक्ष कृपाल रघुवंशी, जिला महामंत्री धर्मेंद्र राजपूत, अहिप जिला महामंत्री गोलू वर्मा, छात्र परिषद महानगर अध्यक्ष तनिष्क सेठिया, जिला मंत्री मुकेश रघुवंशी, जिला मंत्री अभिषेक भावरकर, ग्रामीण अध्यक्ष रामकृष्ण वर्मा, उपाध्यक्ष रोशन ढहरिया, नगर अध्यक्ष राहुल परानी, सोहित ढहरिया, चांद महामंत्री विकास मराठा, नितिन सिंगारे, नेहा पंद्रम, नीलम धुर्वे सहित सैकड़ों अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। विजुअल वन, बाइट वन। निकिता तोमर के साथ विगत दिनों घटित घटना के लिए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन बहन के साथ धर्म परिवर्तन की मांग कर रहे थे और उन्होंने मना की तो उस विरोध में उन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसलिए उनको महामहिम राष्ट्रपति से हमारा निवेदन है कि उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। मैं राष्ट्रीय ओजस्विनी परिषद बजरंग जिला अध्यक्ष रोशनी ठाकुर। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के युवा आयाम, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय ओजस्विनी परिषद और किसान परिषद के सभी आयाम के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा यहाँ छिंदवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन सौंपा है। विगत दिनों जो घटना घटी है, बल्लभगढ़ की जो घटना है, इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद आक्रोशित है। एक निकिता तोमर नाम की हिंदू लड़की को कुछ जिहादियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया, जब उसने विरोध करी तो उसको गोली मार करके और उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी घटना से राष्ट्रीय बजरंग दल आक्रोशित है और हमने राष्ट्र ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से यह मांग की है कि यहाँ जो केस है इसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और 2 महीने के अंदर इनको फांसी की सज़ा दी जाए और केंद्र में भी यह कानून बनाया जाए कि ऐसे जिहादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके और इनको फांसी की सज़ा दी जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। आज हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के जिला कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम शिव उसरेठे, प्रांत अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल, महाकौशल प्रांत। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।